आम आदमी पार्टी दी सूबा सकत्तर बबीता घोसला ने अपने ते लाए गए इल्जाम नकारते हुए कहा कि मेरे ते सियासी खुंद कड्डन लई परचा दर्ज करवाया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत नाल पंजाब विच सरकार बना जा रही है इसलिए दूजिया पार्टियां इस तरह दियां कोशियां हरकतां कर रही हैं मेरे ते लगाए इल्जाम बेबुनियाद अते झूठे हैं। बबीता घोसला ने प्रेस नूं जानकारी दिंदियां कहा कि मैं इस बारे डीसी गुरदासपुर नूं जांच लई अर्जी दे चुकी हां। साडे ते जो केस दर्ज होया है बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। मैं बबीता घोसला, पंजाब स्टेट जॉइंट सैकटरी आम आदमी पार्टी। देखो लोकतंत्र दे विच हर एक नूं अधिकार अपना अपनी पार्टी दे प्रति काम करन दा, ते जदों असीं अपनी पार्टी दे प्रति काम कर रहे हैं और काम जिहड़ा साडा बिल्कुल सक्सैसफुल आ, कामयाब आ, और साडी सरकार आ रही है, कांग्रेस ने बुकलाहट विच आ के ये नजायज़ जिहड़ा आ ये झूठा जिहड़ा परचा आ वह मेरे ते मेरे पति ते दर्ज किया गया। मैं मंग करदी हां उत्थों दे लोकां नूं भी और मैं उत्थों दे प्रशासन नूं भी मंग करदी हां कि जिन्हां दे एरिया सीगा जिन्हां दे अंडर सब कुछ ये होया आ उत्थों दे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाण, जेकर साडी लोकेशन प्रूफ हुंदी आ, जाहिर हुंदी आ, जां असीं उत्थे जाहिर हुंदे आ जां उत्थे असीं मौजूद हुंदे आ, ते इह सारा एलिगेशन जिहड़ा मैं अपने ते लैंदी आ। मैं जनाब डिप्टी चौन कमिश्नर ऑफिसर नूं मैं जरूर रिटन दे विच लिख के दिता है और उन्होंने पूरा सानू विश्वास दवाया है कि मैं तुहाडे नाल कोई धक्का नहीं होवेगा, जो भी आ सच सामने आवेगा। अभी प्रशासन तो फिलहाल तो उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि सच सामने आएगा, क्योंकि सच जिहड़ा हुंदा है सच ही हुंदा है, सच का बोलबाला है और झूठा का मूँह काला हुंदा है। और हानू पता है कि साडे जिहड़े सियाणे है जरूर कह के गए हैं कि झूठ झूठ हुंदा, सच सच है, सच सामने आएगा। जे प्रशासन साडी किसी तरह की हैल्प करने विच अनगली करदे आ तो फिर साडा मसीह भाईचारा और मेरे आम आदमी पार्टी सड़कां ते आउणगे।